सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। और ये जगह है खेकड़ा गांव, और यहां से हम निकलते हुए चलेंगे ईस्टर्न पेरिफेरल पे। और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का गाइस। तो देख सकते हैं अभी ये फ्लर का स्ट्रक्चर वो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, और इस पर अब कंक्रीट की मदद से ये भर दिए जाएंगे। और ये कंप्लीट हो जाए फिर इसके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा, पिलर कैप लगाने का दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा फाउंड, ये क्या नाम है, पाइलिंग कर लिया गया है बिल्कुल हर जगह का। इस पर पाइलिंग हो चुका है, बस इस पर फाउंडेशन बनाने का ही काम चल रहा है जगह जगह पर। तो देख सकते हैं ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, सरियाओं का जाल, और उन पर बाहर से ये रिंग है जो वो लगा दिए जा चुके हैं। और रिंग लग जाने के बाद फिर इसमें कंक्रीट की मदद से ये भर दिए जाते हैं, और फिर ये कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में लास्ट में इसमें पिलर कैप का काम किया जाता है। पिलर कैप का काम हो जाने के बाद में फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। गाटर लॉन्चिंग होने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा। फ्लोरिंग का काम हो जाने के बाद में इस पर ब्लॉक टॉप किया जाएगा। बस यही नज़ारा है दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ, और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाता रहता हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं ये पाइल होने के बाद में जैसे वो पीछे पड़ा था उसको तोड़ा जाता, फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाता। फाउंडेशन बनाने के बाद में ये पिलर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता। जैसे देख सकते हैं आप सभी, देखो ये सारे पिलर, इनमें कंक्रीट भर दिया गया, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब बस ये पिलर कैप के लिए तैयार हो चुके हैं सारे पिलर। और ये है सारा खेकड़ा गांव, और खेकड़ा गांव क्रॉस करने के बाद में फिर ईस्टर्न पेरिफेरल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आपको वहीं तक का दिखाएंगे, और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहो वीडियो के एंड तक, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसे लगते हैं। और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये, आपको बता दूं ये जो आपका ये शास्त्री पार्क से लेकर और ये ईस्टर्न पेरिफेरल तक, इसमें बस पिलर ही पिलर बनाए जा रहे हैं। कहीं इस पर पाइलिंग का काम चल रहा था, कहीं पिलर बनाए जा रहे थे, कहीं फाउंडेशन का काम चल रहा था, कहीं पिलर कैप बनाए जा रहे थे, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, देख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही वीडियोस देखो के पी संत के चैनल पर। और यहाँ से ये खेकड़ा गांव स्टार्ट हो चुका है, और तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि खेकड़ा गांव के अंदर कितना कुछ वर्क हो चुका है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का दोस्तों। देखिए एक पिलर ये खड़ा हो गया, अब इसके बाद में सब पे ही इस पर फाउंडेशन का काम चल रहा है। जैसे जैसे फाउंडेशन कंप्लीट होता जा रहा है वैसे ही वैसे पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा करते जा रहे हैं, जैसे ये सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है पिलर का, ये देखो सरियाओं का जाल ये खड़ा कर दिया गया, इसी तरीके से खड़े करते जाएंगे, फिर इसमें कंक्रीट की मदद से ये भरते चले जाएंगे। और पिलर कैप का काम पीछे चल रहा है जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही होगा दोस्तों, देख सकते हो। तो कहीं कहीं पे इसमें बीच बीच में तो ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है, यानी कि फाउंडेशन नीचे से बना लिया गया है। जब फाउंडेशन नीचे बन जाता है नीचे, तभी ये आपको बता दूँ ये स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है सरियाओं का जाल, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से खड़े कर लिए गए हैं। और ये हम चल रहे हैं अभी खेकड़ा गांव के अंदर, अभी यही नज़ारे हैं यहाँ के, ये देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को तो मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। और जैसा कि ये ईस्टर्न पेरिफेरल को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे वैसे ही बागपथ के लिए हम स्टार्ट हो जाते हैं, और वहाँ से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 6 लेन का बनाया जा रहा है उधर, और इधर 12 लेन का है। मतलब कि दिल्ली और गाज़ियाबाद के अंदर दोस्तों, दिल्ली और गाज़ियाबाद के यूपी के बॉर्डर पे ये 12 लेन का होगा, 6 लेन का एक्सप्रेस वे होगा, 6 लेन की इस पर ग्राउंड लेवल पे ये रोड रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारा ही, आपको बता दूँ पिलर का जो
स्ट्रक्चर है वो सारा खड़ा कर लिया गया है, ये सरियाओं का जाल बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर कोई पिलर नहीं भरा गया है, इनमें कंक्रीट नहीं भरी गई है, तो अभी कुछ पिलर रह गए हैं बाकी बाकी इन पर अभी फाउंडेशन ही बना के तैयार कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। और इधर देख सकते हैं ये सारे पिलर, इनमें कंक्रीट कर दिया गया, ये कंक्रीट भर दिया गया है इनमें सारे में, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये देखो ये सारे में कंक्रीट भर दिया जा चुका है, ये सारे पिलर कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये पिलर कैप के लिए तैयार हैं, उन पर पिलर कैप बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, फिर इन पर गाटर लॉन्चिंग की जानी है। तो यही नज़ारे हैं यहाँ के, और आगे देखते हैं चल के क्या क्या वर्क चल रहा है, चलो दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है, ये व्हीकल अंडरपास बनाया जा रहा है, और देख सकते हैं उसका ये रैंप बनाया जा रहा है, देख सकते हैं ये साइड में सेफ्टी बॉल लगा दी गई हैं, और फिर इसके बीच में इसमें मिट्टी की लेबलिंग की जा रही है, और ये रैंप बनाया जा रहा है, और उसके उधर जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ये व्हीकल अंडरपास बनाया जा रहा है, इसी वजह से ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रैंप, और ये आखिर सामने तक ये ईस्टर्न पेरिफेरल तक ये रैंप बनाया गया है, क्योंकि ये रैंप बन जाएगा फिर नीचे से इसके वाहन क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से नहीं बनाया जा सकता था ना, तो फिर इसको क्रॉस करवाया जाता, तो इसी वजह से यहाँ पर रैंप दिया गया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, ये डाइवर्ट की गई है लेन, और ये सारे स्ट्रक्चर रखे हुए हैं साइडों के, जो पैरा फिटबॉल हैं वो रखे गए हैं जो साइडों में, और इधर देख सकते हैं ब्लैक टॉप का काम चल रहा है राइट में, तो लेफ्ट से बाहर निकाले जा रहे हैं, और ये सामने आपको चमक रहा होगा ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि हमारे NCR का गोल चक्कर है दोस्तों। तो यहीं तक का आज का ये ब्लॉग है, और आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देख सको केपी संत के चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते किसी